और आज का टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन। शायद ही कोई ऐसा आदमी है पूरे वर्ल्ड में जिसको फ्रस्ट्रेशन नहीं है, शायद ही कोई ऐसी एरिया है लोगों की लाइफ में कि वो एरिया में उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं है। कुछ आपको गिनाना चाहूँगा, ज़्यादा एरिया कौन सी है जहाँ पे लोगों को फ्रस्ट्रेशन है। पहली है रिलेशनशिप, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। अगर रिलेशनशिप में है तो फ्रस्ट्रेशन है, रिलेशनशिप नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन है। पैसा, लाइफ, सेक्स लाइफ, एडुकेशन, कैरियर, जॉब, बिजनेस, हर एरिया में कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन है। 90% लोगों को लगता है कि फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है, फ्रस्ट्रेशन आएगा और कुछ कर नहीं सकते। गलत है, फ्रस्ट्रेशन से डील किया जा सकता है, बल्कि ऐसी भी जिंदगी जी जा सकती है जिसमें आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, ये मुमकिन है। तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? फ्रस्ट्रेशन एक तरह का इमोशन है, जो मैं बोलूँगा नेगेटिव इमोशन है। फ्रस्ट्रेशन आता कब है? जब आपकी इच्छा अनुसार कोई घटना नहीं घटती है, कोई लोग नहीं बिहेव करते हैं, कोई सिचुएशन नहीं होती है, लोग आपको समझते नहीं है। बहुत से कारण है फ्रस्ट्रेशन आने के। हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? हम फ्रस्ट्रेट खाली इसलिए होते हैं कि हम कुछ लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई सिचुएशन में, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा ही नहीं। अब मैं नहीं बोलता हूँ एक्सपेक्ट करना कुछ गलत है, कि आपका एक्सपेक्टेशन रीजनेबल नहीं है। अगर आपको एक्सपेक्टेशन किसी से भी है तो आप फ्रस्ट्रेट होगे। नहीं, एंगर भी एक इमोशन है, फ्रस्ट्रेशन भी एक इमोशन है, दो अलग इमोशन है। और एंगर में भी दो चीज़ हो सकती है, कि आप कभी एंगर एक्सप्रेस करते हो, कभी आप एंगर सप्रेस करते हो। और फ्रस्ट्रेशन अलग इमोशन है एंगर से। फ्रस्ट्रेशन आता भी क्या करना चाहिए? अपने आजू बाजू ढूंढना चाहिए मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था। 50% फ्रस्ट्रेशन कमती हो जाएगा ऑन द स्पॉट। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। सवाल है कितने सेकेंड्स में, कितने मिनट में अपन एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाते। फ्रस्ट्रेशन के साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट से रातों को नींद खराब होगी, आपके रिलेशन खराब होंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपको फियर आ जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। साइड इफेक्ट है फ्रस्ट्रेशन के। ये नेगेटिव इमोशन है कि अगर सामने फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप खाली अवेयर हो जाओ कि बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, और जो बोलता है सुन लो, उस समय कुछ मत बोलो उसके, एकदम साइलेंस हो जाओ और उसको पूछो भैया आप इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन करो जिसकी वो भी आदमी अपने अवेयरनेस में आ जावे और फ्रस्ट्रेशन सेकंड में चला जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रस्ट्रेशन ही आता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में नेगेटिविटी जोड़ देते हो। जब आपको लगता है ये ज़्यादा है, सब मेरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे को ये सब क्यों करने का, ऐसे जो थॉट क्रिएट करते हो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन आता है। जिम्मेदार ज़्यादा लेते हो तो ज़्यादा पावर आता है। कोई सिचुएशन अपने कंट्रोल में नहीं है, आपको हेल्पलेस फीलिंग आती है। बहुत अच्छा सिचुएशन है, इंजॉय करो हेल्पलेसनेस। काय को आपको सब सिचुएशन को कंट्रोल करने का है, इंजॉय हेल्पलेसनेस ऑल्सो। एन ह्यूमन बींग है, हेल्पलेस हो ये होंगे। ये वर्ल्ड इतना विराट है, इतने सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, यू कैन नॉट बी पावरफुल ऑल द टाइम। बस एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन, एक्सेप्ट करो, गारंटेड। बगैर फ्रस्ट्रेट हुए कोई आदमी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। ये स्टेप है, ये सीढ़ियाँ हैं। अब मैं आपको सब सीढ़ी बताता हूँ। सबसे पहले सीढ़ी है डाउट आना, कोई भी चीज़ पे। डाउट आ गया तो फियर आ जाता है, फियर आ गया तो नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, नेगेटिव थिंकिंग आ गया तो एंग्जाइटी आ जाती है, एंग्जाइटी आ गया तो टेंशन आ जाती है, टेंशन आ गया तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद में डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, सुसाइड, सारी सीढ़ियाँ खुलती है एक के बाद। नहीं, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेट गो नहीं होता फ्रस्ट्रेशन। एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, ह्यूमन बींग हूँ, फ्रस्ट्रेशन आएगा, एक्सपेक्टेशन भी रखूंगी और फ्रस्ट्रेशन आएगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको।